जवाजा थाना पुलिस ने ग्राम शिवनगर में हुई हत्या प्रकरण का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से प्रकरण में कड़ाई से पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह के अनुसार 31 मार्च को उन्हें इत्तला मिली थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शिवनगर शमशान घाट के पास एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति की लाश नाली में पड़ी हुई है। एक तरह पर वे स्वयं मई पुलिस टीम के मौके पर पहुंचे था मौका मुआयना किया। इस दौरान मृतक की पहचान 65 वर्षीय दौलत सिंह पुत्र गिरधारी सिंह रावत निवासी भाड़िया भाऊ जवाजा के रूप में हुई। इसके बाद मृतक के पुत्र नैनू सिंह ने अपने पिता की मौत के संबंध में रिपोर्ट दर्ज की जाकर जांच आरंभ की गई। मृतक के परिजन थाना मुलाजमान कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह तथा रिजपाल आदि ने सूचना संकलन कर पता किया कि मृतक दौलत सिंह को 30 मार्च को आखिरी बार दिलीप सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत निवासी जालिया पोशावास जवाजा के साथ में देखा गया था। उधर दिलीप सिंह का दौलत सिंह के साथ मेल मिलाप होने पर भी वह बैठक में नहीं आया। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि दिलीप सिंह 6 अप्रैल को बैठक में आया हुआ है। इस पर थानाधिकारी ने मृतक के घर जाकर पुलिस टीम के साथ पूछताछ किए जाने पर दिलीप सिंह द्वारा अपने दोस्त छावनी फाटक बाहर सज्जन कॉलोनी निवासी करनी प्रताप सिंह के साथ मिलकर दौलत सिंह के रुपयों व दौलत सिंह से लिए गए जेवरात हड़पने के लिए हथौड़े से मारपीट करके दौलत सिंह की हत्या करना कबूल किया। दिलीप सिंह के कबूलनामे के बाद पुलिस ने करनी प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया।